पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी मार्बल एंड टाइल्स वाहन मालक संघ के अध्यक्ष ने नरेश चंद्र वसी नामक व्यक्ति पर अवैधानिक तरीके से अपने वाहन का उपयोग ट्रांसपोर्टिंग कार्य में जबरदस्ती पूर्वक किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी उन्होंने टिकरापारा थाने में दी थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण अब वे SP और कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन सौंपेंगे। और राजधानी मार्बल एंड वाहन मालक संघ का यहाँ पे जो यूनियन है, यूनियन में अवैध अपना ट्रांसपोर्टिंग चलाया जा रहा है, जिसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। अपना थाना टिकरापारा में भी इसको सूचित किया गया, जिससे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग चलाया जा रहा है, वो हम सभी लोगों को धमकी भरा फ़ोन ये सब किया जा रहा है, तो कल के दिन में ऐसा विवाद पैदा ना हो, इसलिए बाहर से लोगों को धमकी दिलाया जा रहा है, हमारे लोगों को, सभी लोगों को, मेरे को, तो इसमें अपने को प्रशासन से थोड़ी मदद की ज़रूरत है। हाँ, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे अपन अब सीधा ज्ञापन सौंपने जाएंगे SP साहब को और कलेक्टर महोदय को कि कृपया इसमें ध्यान दे, हमारे को सहयोग प्रदान करे, आगे ऐसा कुछ ना हो। इस प्रक्रिया में हम मीडिया कर्मियों से भी सहयोग लेना चाहते हैं। क्या हुआ कि अभी उनको बुलाए थे हम लोग, नरेश जी को, हरिओम बोलते उनको, तो उनको बोले थे कि समझाए कि भाई देखो, सब अपने सम्मिलित चलना है, अपने को सब कुछ एक साथ रहना, उठना बैठना सब कुछ करना है। तो बंदा उठ के चले गया, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बुलाया कि बेटा एक बार और रुक जाओ, क्योंकि मैं बड़ा होने के नाते तुम लोगों सबको समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को नहीं मान के फिर उठ के चले गए। उनके समूह में कुछ दो चार लोग थे, वो भी उठ के चले गए, तो उसमें हम लोगों को लगा दुख, इसका मतलब तुमको हमारे साथ में नहीं रहना है। नरेश चंद्रवंशी जी के द्वारा यहाँ अवैध ट्रांसपोर्ट चलाया जा रहा है, वो भी गौ सेवा की आड़ में। हमारे द्वारा उनको बोला गया कि आप ऐसा काम ना करो जिससे यूनियन के सभी सदस्यों या जितने भी मेंबर जिनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़े, इस टाइप से बोला गया। तो बोल रहे, अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, सब ग्रुप में अपना ग्रुप बनाए हैं कि हिंदू खतरे में हैं और मेरे गौ सेवा रोक रहे हैं, जबकि हमारा सोच ऐसा नहीं, बिल्कुल हम भी समाज सेवा से जुड़े, गौ सेवा से हम लोग भी जुड़े हैं, लेकिन उनके द्वारा विवाद की स्थिति और इधर उधर से हमको फ़ोन किया जा रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, ताकि हम भी बीवी बच्चे वाले परिवार वाले कल के डेट में हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकता है, इस टाइप से हमको आशंका है। इसीलिए हम सभी भाइयों का सहयोग चाहिए और आप मीडिया वालों का सहयोग चाहिए।